प्रदेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसके अलावा तमाम ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो यहां पर लिए जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पारंपरिक स्वागत, 4 दिवसीय दौरे पर, बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। बांग्लादेश भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एक अहम साझेदार है और इसी के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग, सुरक्षा, व्यापार, बिजली, ऊर्जा, परिवहन, कनेक्टिविटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा, नदी, समुद्री मामलों सहित सभी क्षेत्रों में साझेदारी है और इस दौरे के तहत भी ये साझेदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया जा रहा गार्ड ऑफ ऑनर, उन्हें रस्मी स्वागत राष्ट्रपति भवन में। उनका 4 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं।
तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अब आप देख सकते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और उसके बाद अब वो मुलाकात करती हुई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य तरीके से इनका स्वागत किया और उसके बाद अब वार्तालाप का जो दौर है वो जारी है और ऐसे में अब सबसे उनकी मुलाकात, उनकी ये शिष्टाचार भेंट करवाई जा रही है। और आपको बता दें तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पहल है उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए, एक नई नीतियों के तहत आने वाले समय के लिए और मजबूत इन संबंधों को करने के लिए तमाम यहाँ पर जो नीतिगत फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे और ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का जो मुलाकात का सिलसिला है वो राष्ट्रपति के साथ भी है और उसके बाद उपराष्ट्रपति से भी वो मुलाकात करेंगी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता का भी उनका पूरा कार्यक्रम है और तमाम नीतिगत जो फैसले हैं वो लिए जाने हैं और ऐसे में तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत का दौर भी जारी रहेगा। शेख हसीना की ये यात्रा इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच साझा नदियों के जल बंटवारे, बिजली और ऊर्जा सहयोग, सीमा प्रबंधन और रक्षा, रेलवे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर केंद्रित कई समझौतों और MOU पर साइन होने की भी संभावना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा इनका होने वाला है और इस दौरे को लेकर तमाम तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। India is our dear friend. So whenever I come to India, it's a big pleasure for us, for me especially. India has done during Operation War. So we have friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition. Poverty alleviation, economic emancipation. So, with all these issues, I feel that our two countries, we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get better life. That is our main focus. So, every visit, I feel that when we discuss, we are very I hope that it will be a very fruitful discussion and our main aim to develop economically and also fulfill the basic needs of our people that we will be able to do. With friendship, you can solve any problem. So we always do that. So hum hamesha abhari hu Bharat ke aur ke hamara desh jab swadhinata aur जब लिबरेशन वॉर हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की और बहुत लोग उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ एंड हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा শুভকামনা জানাচ্ছি আর সেই সাথে সাথে একাত্তর সালে ভারতবাসী যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং সব ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগিতা পেয়েছি সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्होंने कहा कि काफ़ी खुश हैं वो यहाँ आकर और भारत की हमेशा आभारी रहेंगी। जिस तरह से भारत का योगदान रहा है बांग्लादेश के निर्माण में और लगातार जो विकास यात्रा रही है दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों में, दोस्ताना संबंधों में, उन्होंने कहा कि भारत आना सदैव अच्छा होता है और काफ़ी खुश दिखे। आज उनका पारंपरिक स्वागत किया गया, रस्मी स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उनके साथ मौजूद हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करती हुई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और बेहद उम्मीदों भरा ये दौरा कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो मुख्य फोकस है वो रहने वाला है किस तरह से गरीबी उन्मूलन किया जाए, किस तरह से जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ाया जाए और किस तरह से जो व्यापारिक साझेदारी है वो लगातार बढ़ रही है, वो उसे किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्ताना संबंधों में कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिन पर इस बार भी चर्चा होगी और उनमें विस्तार की संभावना पूरी है। गौरव, बिल्कुल, और ये नज़र भी आ रहा है जिस तरह से औपचारिक उनका स्वागत किया गया, ऐसे में वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी जब वो अपनी बातें रख रही थी। रक्षा सहयोग